वो कहते हैं ना, हमारी उड़ान देखनी हो तो आसमां से कह दो कुछ और ऊंचा हो जाए। इसको सच साबित किया है पटना के दारोगा राय पथ में स्पेशल निगरानी विभाग में तैनात मोहन कुमार ने। मोहन कुमार नाम के सिपाही ने बीपीएससी 66वीं प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता पाई है। उनका रैंक 397 है। नौकरी करते हुए कड़ी मेहनत से उन्होंने ये सफलता हासिल की है। अपनी सफलता से मोहन काफी खुश हैं। मोहन ने अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने माता पिता, अपने डिपार्टमेंट के अधिकारी और पूरे परिवार को दिया है। बिहार तक से बातचीत में उन्होंने कहा कि समाज में शिक्षा के स्तर पर बदलाव होना सबसे जरूरी है। सभी को शिक्षा मिले यह सबसे पहले होनी चाहिए। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं इस मामले में पहल करूंगा। मेरा नाम मोहन कुमार है। मैं पटना जिला के बिहटा थाना अंतर्गत गुलाम अली चक गाँव का रहने वाला हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गाँव में ही स्थित मिडिल स्कूल से हुई है। इसके उपरांत आनंदपुर में स्थित हाई स्कूल से मैंने सेकेंडरी एजुकेशन प्राप्त की है। बिहटा स्थित सरकारी कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की शिक्षा प्राप्त की है। इसके उपरांत 2015 से मैं बिहार पुलिस में एज ए कॉन्स्टेबल गया में पोस्टेड हुआ था। 2018 में मेरी ट्रांसफ़र स्पेशल विजिलेंस यूनिट पटना में हुई है। यहाँ पर रहने के दौरान ही मैंने तैयारी की है और तैयारी करके सफलता प्राप्त की है। कब आपके मन में आया कि मैं बीपीएससी का परीक्षा दूँ और ये कितना अटेम्प्ट था, कौन सा अटेम्प्ट था? जी, जब मैं स्पेशल विजिलेंस में आया और इससे पहले गया में रहा, तो रहने के दौरान मैंने महसूस किया कि समाज को और मैं बेहतर कुछ कर सकता हूँ, कुछ दे सकता हूँ समाज की बेहतरी के लिए। मुझे और कंट्रीब्यूट करना चाहिए, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि और ऊपर जाके जहाँ से मैं इस संबंध में अच्छा कार्य कर सकता हूँ मुझे ट्राई करना चाहिए। तो मैंने बीपीएससी को चूज किया। ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। इससे पिछले अटेम्प्ट में भी मैंने इंटरव्यू दिया था लेकिन मैं 2 मार्क से चूक गया था। समाज में आप बदलाव करना अगर चाहेंगे तो क्या आप बदलाव करना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि जो शिक्षा की स्थिति उसमें तुरंत सुधार हो। शिक्षा की स्थिति सुधरते ही ना लोगों को रोजगार मिलेगा, सिर्फ गरीबी दूर होगी बल्कि बहुत सी जो सामाजिक बुराइयाँ हैं जैसे दहेज प्रथा इत्यादि, उन पर सुधार आएगी, रोक लगेगी। जैसे शिक्षा में सुधार करना सबसे ज़्यादा जरूरी है अभी के डेट में, और ख़ासतौर पर बिहार जैसे पीछे राज्य में। अपने भाई के, पिता के और परिवार के बारे में कुछ बताएं। जी, मेरे पिताजी विक्रम पोस्ट ऑफिस में पोस्टल असिस्टेंट हैं। मेरी माताजी हाउसवाइफ हैं। पिताजी का नाम श्री शिवजी प्रसाद हुआ, माताजी श्रीमती चिंता देवी हैं जो हाउसवाइफ हैं। मेरे एक बड़े भाई हैं जो भी पटना पुलिस में ही पुलिस लाइन में कॉन्स्टेबल के पद पर पदस्थापित हैं। इसके अलावा एक भाभी और 2 बहन हैं। अपनी सफलता के लिए किसको आप कहिएगा? मैं अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने माता पिता, अपने भाई भाभी और साथ ही स्पेशल विजिलेंस यूनिट के सभी पदाधिकारी और कर्मी उनको देना चाहूँगा, खासतौर पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट के पदाधिकारी कर्मियों को, क्योंकि अगर मैं यहाँ नहीं होता तो शायद हो सकता था मैं जहाँ आज पहुँचा हूँ वहाँ नहीं पहुँच पाता। मोहन ने तीसरे अटेम्प्ट में सफलता हासिल की है। पहले वह गया में सिपाही के पद पर तैनात थे, उसके बाद वहाँ से इनका स्पेशल निगरानी विभाग पटना में ट्रांसफर हुआ और यहाँ पर आकर लगन के साथ अपनी पढ़ाई की। अब तक के सिपाही मोहन कुमार अब अधिकारी बनेंगे। पटना से राजेश कुमार झा, बिहार तक।